हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नैनाज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ एग फ्राइड राइस। एग फ्राइड राइस को बनाना जितना आसान है, खाने में ये उतना ही टेस्टी लगता है। इसको हम किसी भी तरह से खा सकते हैं, सॉस के साथ, चिली पनीर के साथ या फिर मंचूरियन के साथ, ये हर तरह से अच्छा ही लगता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं एग फ्राइड राइस। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल दबाना ना भूलें। तो चलिए हम बनाते हैं एग फ्राइड राइस। फ्रेंड्स, एग फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है और मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल थोड़ा डाला है। और सबसे पहले मैं अंडे की भुर्जी बना लेती हूँ। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ अंडे। इसी तरह से मैं इसमें 5-6 अंडे डाल दूंगी और इसका मैं भुर्जी बना लूंगी। फ्रेंड्स, मैंने 6 अंडे इसमें फोड़ दिए हैं और अब मैं इसका भुर्जी बना लेती हूँ। और इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक। बहुत कम नमक ही डालना है क्योंकि बाद में हम फिर नमक ऐड करेंगे। फ्राइड राइस जब हम बनाएंगे तो उसमें नमक ऐड करेंगे, इसलिए बहुत कम नमक का ही इस्तेमाल मैंने इसमें किया है। भुर्जी बन के तैयार है तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। मैंने उसी कढ़ाई को खाली करके और दोबारा उसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटे हुए लहसुन, थोड़ी सी कद्दूकस की हुई अदरक, और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ी सी कटी हुई मिर्च। आपको पसंद है तो डालें, नहीं है तो छोड़ दे सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ महीन कटे हुए प्याज, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा इसको भूनेंगे और उसके बाद बाकी सब्जियाँ इसमें ऐड कर देंगे। प्याज भूनते हुए करीब 1-1.5 मिनट हो गए फ्रेंड्स। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये कटी हुई शिमला मिर्च और इसको अब मैं प्याज के साथ थोड़ी देर भूनूंगी। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी कटी हुई गाजर। मेरे पास बीन्स अवेलेबल नहीं है, आप बीन्स भी डाल सकते हैं, पत्ता गोभी भी थोड़ी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। और अब मैं इनको हल्का सा और भून लेती हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डाल देती हूँ नमक। नमक हमको अंदाज से डालना है क्योंकि हम इसमें जो चावल ऐड करेंगे उसके अनुसार भी हमको नमक डालना है, इसलिए अभी थोड़ा नमक डाल रही हूँ। थोड़ा मैं चावल डालने के बाद अंदाज से कंपनसेट कर दूँगी। सब्जियां करीब करीब हो गई हैं क्योंकि इसमें पूरी तरह से सब्जियों को गलाते नहीं हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं बासमती चावल जो मैंने ऑलरेडी उबाल के रखे हैं। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये बासमती चावल जो मैंने पहले से बना के रखे हैं। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये सोया सॉस। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है क्योंकि पहले भी हमने सब्जियों को भूनते समय नमक डाला था, सोया सॉस में भी नमक होता है। और अब ये बन के तैयार है और अब मैं इसमें मिला देती हूँ एग भुर्जी। फ्रेंड्स, ये एग भुर्जी मैंने डाल दी है और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। फ्रेंड्स, एग फ्राइड राइस बन के पूरी तरह से तैयार है और अब मैं इसको गैस से उतार देती हूँ और इसको सर्व करती हूँ। एग फ्राइड राइस बन के तैयार है, आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई करें। और अगर ये आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें,
फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।